हमारा जैसे पापुम पारे का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें ऑब्वियसली हमारा जो डिस्प्यूट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्यूट है या इशू है, नॉट डिस्प्यूट है, इशू है असम के साथ। हम लोग जो अफेक्टेड है वो ही आपस में डिसाइड कर पाए कि हमारा इतना बॉर्डर बनना चाहिए, एरिया असम का है, एरिया अरुणाचल का है, जब वो डिसाइड कर पाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा और वो लोग पीसफुली वहाँ रह पाएंगे। जब एक बार बॉर्डर सेटल हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो उनको स्कूल का सुविधा है, हॉस्पिटल का सुविधा है, बिजली पानी सड़क, ये फैसिलिटी जल्दी से जल्दी सरकार के थ्रू मुहैया कराया जाएगा। रिसेंटली जैसा हमारे सारे दर्शकों को पता है और हमारे सिटीजन को भी पता है कि जो नामसाई डिक्लेरेशन हुआ ऑनरेबल सीएम अरुणाचल प्रदेश और ऑनरेबल सीएम असम के बीच में, सो दैट कि जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है असम और अरुणाचल का उसको हम लोग म्यूचुअली आपस में बात करके सुलझा पाएं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में दोनों स्टेट का केस लगा हुआ है उसको सॉल्व कर पाएं। तो इसका जो सबसे बड़ा एक हमारा जैसे पापुम पारे का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें ऑब्वियसली हमारा जो डिस्प्यूट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्यूट है या इशू है, नॉट डिस्प्यूट है, इशू है असम के साथ। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ दो असम के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, पहला है लखीमपुर और दूसरा है विश्वनाथ चराली। तो कल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का टीम है, मैं भी गया, एसपी साहब भी गया, हमारे बाकी ऑफिसर्स भी गए, उसमें हम लोग लखीमपुर डीसी के साथ बात करके आए कि कैसे उनका क्या मानना है हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, हमारा क्या विचार है, हमने उनको बताया, हम लोग कैसे इसको म्यूचुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ों के लिए जो ग्राउंड वर्क था वो हमने कल थोड़ा करने का ट्राई किया। तो टोटल जो पापुम पारे है, हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, उसमें 31 विलेजेस का इशू है, जो बॉर्डर विलेजेस हैं, जो अंदर वाले जिले उनका कोई इशू नहीं, जो बॉर्डर पर विलेजेस हैं उनमें सर्टेन का इशू है। तो इसमें जो हमारा बंदरदेवा सर्कल है उसमें करीब 6 विलेजेस का इशू है, गुमतो में 4 विलेजेस का इशू है, ककोई में भी 4 विलेज का इशू है और किमिन में 7 विलेज का इशू है और तरासो में 10 विलेज का इशू है। जो तरासो है वो प्राइमरली विश्वनाथ चराली के साथ लगता है और बाकी जो है बंदरदेवा, गुमतो, ककोई, किमिन, ये लखीमपुर के साथ जाते हैं। तो लखीमपुर के साथ 21 विलेजेस का डिस्प्यूट है या इशू है और जो 10 का तरासो के साथ है। कल जब बात हुआ हमारा उनके साथ तो एज एक्सपेक्टेड वो उनका मानना हमसे अलग था, हमारा मानना उनसे अलग था। तो इसमें थोड़ा आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊंगा कि इसमें दो टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है 1951 का एक नोटिफिकेशन, जब अरुणाचल एग्जिस्टेंस में नहीं था, असम और नेफा करके जो थे वो एग्जिस्टेंस में थे, तो अरुणाचल के एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो कोई रिप्रेजेंटेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट था नेफा की तरफ से या असम गवर्नमेंट था। तो असम के द देन ऑनरेबल सीएम साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके हिसाब से 1951 के हिसाब से हमारा बाउंड्री सेटल किया था। उसके बाद उस लाइन को सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सर्टिफाई किया और अपने मैप पर ड्रॉ किया। तो उस वक्त अरुणाचल का एग्जिस्टेंस नहीं था, तो हमारी तरफ से कोई रिजेंटमेंट भी नहीं था और वो विदाउट एनी कंसल्टेशन बताया गया कि आपका बॉर्डर रहेगा। फिर जब उस बॉर्डर को जब अरुणाचल एग्जिस्टेंस में आया 80s में, उसके बाद हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने उसका विरोध करना स्टार्ट किया। तो विरोध करना स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवेन करके एक कमेटी भेजा, जिसके बाद भी वो सेटल नहीं कर पाया। तो फिर उस कमेटी के बाद असम और अरुणाचल दोनों कोर्ट में है। तो एट प्रेजेंट जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस होता है, वो लोग उसको सुन सकते हैं। तो दो स्टेट का जो डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वो केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक बहुत बड़ा कमेटी बना के भेजा, जिसके अंदर हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर मोस्ट ऑफिसर रिटायर्ड थे, रिटायर्ड सीनियर जजेस थे और भी लोग थे। तो वो 3 मेंबर कमेटी ने पूरा सर्वे किया जितना उनके पास पॉसिबल समय था उसके हिसाब से, और उन्होंने जो एक टेंटेटिव बाउंड्री का डिमार्केशन किया जो एक्चुअली होना चाहिए अरुणाचल और असम के बीच में। तो वो बाउंड्री हमारे पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है, अरुणाचल के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अब आप सोचेंगे कि जो 1950 अगर ये अरुणाचल है या असम है, तो अरुणाचल के जो पास वाला बाउंड्री है वो 51 का लाइन इधर है और 2007 का लाइन असम के पास है। तो वी आर क्लेमिंग कि हमको ये पूरा एरिया चाहिए, असम इज सेइंग कि उनको 51 का लाइन चाहिए। तो बीच में हमारे कुछ विलेजेस और अ पीरियड ऑफ टाइम बन गए हैं। तो अभी उन विलेजेस का डिमार्केशन, क्योंकि वो हमेशा बॉर्डर दो स्टेट्स की बाउंड्री के बीच में आ गए हैं, दो डिफरेंट लाइंस के बीच में आ गए हैं, तो हमेशा उनमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है। उस डिस्प्यूट की वजह से वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिस स्पीड के साथ, जिस पेस के साथ होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी बार उसमें असम की तरफ से रिजेंटमेंट हो जाता है या काफ़ी बार जब वो लोग ट्राई करते हैं तो हमारी तरफ से रिजेंटमेंट हो जाता है।
तो उसमें काफ़ी लोगों को तकलीफ हुआ बीच में। तो इसमें कुछ विलेजेस हैं जो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गया है कि अरुणाचल का एरिया इतना है, आसाम का एरिया इतना है, तो वो लोग पीसफुली रह पा रहे हैं, लेकिन उनका डिमार्केशन या बाकी फैसिलिटीज अभी भी थोड़ा वीक हैं। तो इसके लिए जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं दोनों, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करेंगे। तो उसके लिए अभी हम जो कल मिलकर आए हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट विजिट ग्राउंड में जाके होगा, जिसमें हम लोग गांव-गांव जाएंगे, जितने भी हमारे 31 विलेजेस हैं जो डिस्प्यूट में हैं उनमें जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उनका एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी कितना है, आसाम साइड से भी बात करेंगे, अरुणाचल साइड से भी बात करेंगे, उनका विलेज कितना एक्सटेंड करता है, वो लोग कितना एरिया यूज़ करते हैं, उनके पोजेशन या कंट्रोल में है। जब ये बात हो जाएगा तो उसके बाद जो म्यूचुअली एग्रीबल लैंड पीस के ऊपर हम लोग एक बॉर्डर बना पाएंगे, नेचुरल बैरियर को देख पाएंगे, अगर कोई रिवर है, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, नाला है, उसके हिसाब से वो बाउंड्री का डिमार्केशन करके हम दोनों स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे। अगर दोनों म्यूचुअली एग्री हुए, हमको भी एग्री होना है, आसाम को भी एग्री होना है, जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना है अरुणाचल के बीच में, आसाम के बीच में और भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के बीच में। अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग बोल पाएंगे कि जो हमारा बॉर्डर इशू है वो सेटल हुआ है पीसफुली, और अगर इसमें कुछ तकलीफ होता है तो फिर उसको हम केस टू केस बेसिस में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इसी में हम लोग कल विश्वनाथ तिवारी साहब के साथ मिल रहे हैं, फील्ड में ही मिल रहे हैं, तो तरासू सर्कल में जाके वहाँ पर विलेज विजिट करने वाले हैं। सर, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कितना इफेक्टिव है जैसे आप लोगों ने किया? देखिए, हम लोग से बेटर है कि जो लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं, अगर उनकी रजामंदी हो किसी भी सेटलमेंट को लेकर, अगर उनके आपस वो लोग माने कि ये आसाम इतना है, अरुणाचल इतना है, वो लोग जो अफेक्टेड लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं, अगर उनको उनके हिसाब से सेटलमेंट होता है तो मुझे लगता है कि वो कोर्ट से भी बेटर सेटलमेंट होगा। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि कोर्ट भी अगर कोई स्टडी करेगा तो उसका ग्राउंड में क्या इम्पैक्ट होने वाला है उतना इफेक्टिवली नहीं पता चल पाता ना। कई बार हम लोग जो अफेक्टेड है वो ही आपस में डिसाइड कर पाएँ कि हमारा इतना बॉर्डर बनना चाहिए, एरिया आसाम का है, एरिया अरुणाचल का है, जब वो डिसाइड कर पाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा और वो लोग पीसफुली वहाँ रह पाएंगे। इसीलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली बेटर सॉल्यूशन है एज कम्पेयर टू अदर जो मेथड है उससे। हर किसी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे हमारे करीब 11 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं टोटल अरुणाचल के, तो उसमें हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कमेटीज हैं, रीजनल कमेटी बोला है उसको। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो चेयरमैन है वो फेलिक्स साहब नहीं है, अताबा तेदिर साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। उनके साथ हमारे दो MLAs हैं, एक तेची गसो साहब हैं और हमारे जो दोईमुख वाले MLAs हैं तानाहाली सर, वो हैं। तो वो तीन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक DC हैं और एक SP हैं। तो हम 5 लोग का टीम बनाया है। तो अभी तक इस टीम को जो आसाम का काउंटर पार्ट टीम है उनके साथ बात करना है। तो जो अभी इन्फॉर्मेशन इन टीम को जाना चाहिए था, तो आई एम द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ दैट SDC, तो मैंने अपनी टीम को फॉर्मल तरीके से करीब 2 महीने पहले ब्रीफ किया था कि हमारा स्टैंड ये है सिस्टम के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, हमारे इतने विलेज अफेक्टेड जैसे मैंने आपको बताया, और हमारा ये बाउंड्री सेटलमेंट का ये इशू है, 1951 का लाइन क्यों बनाया, 2007 का लाइन कैसे बना, हम अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जाता है तो हमारा कुछ एरिया है जहाँ पर आसाम ने हमारे को थोड़ा इंक्रोच किया हुआ है, कुछ एरिया है जहाँ पर हमने 2007 की लाइन को भी ब्रीच करके वहाँ पर इंक्रोच किया हुआ है। तो इट्स अ म्यूचुअल गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। जब होगा तो कुछ एरिया हमको लेना मिलेगा और कुछ एरिया हमको शायद छोड़ना भी पड़ेगा। तो जब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा फिजिबली म्यूचुअली बात करके, तो फिर हम एक सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो इसमें जो फाइनल अथॉरिटी है वो रीजनल कमेटी है जो हमारे CM साहब को रिकमेंड करेगी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये सब बात हो गया है हमारा म्यूचुअल दोनों साइड से, तो वो अपने CM को और हम अपने CM साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। जब वो दोनों CM साहब भी एग्री कर जाएंगे तो फिर वो ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट जो MHA के साथ है भारत सरकार के साथ, वो करने के लिए राजी हो पाएंगे। बॉर्डर एरिया हर किसी स्टेट के लिए और हर किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, अपना प्रेजेंस बनाने के लिए। जो पेरीफरी में लोग रहते हैं वही लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है। जब एक बार बॉर्डर सेटल हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो उनको स्कूल का सुविधा है, हॉस्पिटल का सुविधा है, बिजली पानी सड़क, ये फैसिलिटी जल्दी से जल्दी सरकार के थ्रू मुहैया कराया जाएगा।